नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, जो प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर चल रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो के माध्यम से जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बेहद शानदार टॉपिक होगा और उस टॉपिक का नाम है एम्फीबिया। तो डियर स्टूडेंट, इसके पहले हमने कई मैराथन क्लास कम्प्लीट कर चुके हैं, लगभग 30 से 32 मैराथन क्लास कम्प्लीट हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं उस पूरे प्लेलिस्ट को तो आप डायरेक्टली हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं या फिर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से टैप कर पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें से जो भी टॉपिक आपको लगता है कि इस टॉपिक में आपकी तैयारी भी कंप्लीट नहीं है तो उसको आप एक दो बार रिवीजन करके देख सकते हैं। और इंड स्क्रीन वीडियो के अंत में इंड स्क्रीन पर भी पूरा प्लेलिस्ट लगा दूंगा, आप आराम से वहां से टैप कर पूरे प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं आसानी से। तो इस टॉपिक के माध्यम से अब तक के पूछे गए TGT, PGT, CSIR, NET, JRF और UPSC और LT ग्रेड की परीक्षाओं के एक शानदार क्वेश्चन का संग्रह होगा और प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लानेशन बेहतरीन ढंग से होगा। अपेक्षा होगा कि क्वेश्चन जो PGT, TGT या फिर GIC के क्वेश्चन देखने को मिले आपको यहीं से देखने को मिल सकते हैं। तो बिना समय गवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़े इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? मिडवाइफ टोड हैं, तो एक शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एलाइट्स इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। ये रहा बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या है? मिडवाइफ टोड इज, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलाइट्स, ALYTES होना चाहिए था, बाई मिस्टेक क्या है, टाइपिंग मिस्टेक, वी कर दिया है इसको, VY है। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? PGT बायोलॉजी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसके विषय में थोड़ा बात करते हैं। एलाइट्स को मिडवाइफ टोड कहा जाता है। यह अधिकांश यूरोपीय देशों में पाया जाता है। इसके नर में पैरेंटल केयर यानी पैतृक संरक्षण के गुण पाए जाते हैं। यह टैडपोल की उत्पत्ति तक निषेचित अंडों को अपने जांघ के पास सुरक्षित रखता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल सहज लैंग्वेज में। यह रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। तो चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक मिडवाइफ टोड कहा जाता है? तो डियर स्टूडेंट, ये पिछले क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को पास कर तुरंत जाके लिखेंगे। इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिडवाइफ टोड, राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में जाकर आपको लिखना है। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है मेंढक का अंडाणु होता है। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दूरस्थ पीत की इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवरअप करते हैं सहज लैंग्वेज में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का इंग्लिश वर्जन। द एग ऑफ फ्रॉग इज, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टिलोलेसिथल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े इससे पहले थोड़ा इसके विषय में बात कर लें। ओवम में योग के वितरण के आधार पर अंडे कई प्रकार के होते हैं। इस आधार पर मेंढक का अंडाणु क्या होता है? टिलोलेसिथल प्रकार का होता है जिसमें योक एक तरफ होता है जिसे क्या बोलते हैं, वेजिटल हेमिस्फीयर कहते हैं, और दूसरी तरफ जंतु गोलार्ध यानी एनिमल हेमिस्फीयर होता है। मेंढक का अंडाणु योक की मात्रा के आधार पर मेसोलेसिथल होता है जिसमें योक की मात्रा संतुलित होती है। 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ये आपके सामने रहा। क्वेश्चन देखिएगा क्या है? क्वेश्चन है मेंढक में ग्लाटिस का नियंत्रण किन पेशियों के द्वारा होता है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एरिटिनाइड कार्टिलेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवरअप करते हैं बिल्कुल आपके सामने। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि चारों ऑप्शन विजिबल हो सके। क्वेश्चन क्या है? इन्फ्राग्लॉटिस इज कंट्रोल्ड बाई द मसल्स ऑफ, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, क्या है ऑप्शन नंबर सी, एरिटिनाइड कार्टिलेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंढक के मुखगुहा के आधार तल पर दो वाक कोष यानी वोकल कार्ड पाए जाते हैं
मेंढक में एक अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल स्लिट जिसे ग्लॉटिस कहते हैं के माध्यम से ग्रास नली यानी लैरिंग्स ग्रसनी मिंटू से फेरिंग्स में खुलती हैं। एरिक्नाइड कार्टिलेज द्वारा ग्लॉटिस का नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल सहज लैंग्वेज में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है पाद विहीन उभयचर किस गण से संबंध रखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जिम्नोफियोना इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा, जिम्नोफियोना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवरअप करते हैं वो भी सहज लैंग्वेज में। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, लिम्बलेस एम्फीबियंस बिलोंग टू द ऑर्डर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिम्नोफियोना इज द राइट आंसर। जिम्नोफियोना या एपोडा गण के अंतर्गत पाद विहीन यानी लिम्बलेस उभयचर आते हैं। इनकी लगभग 55 प्रजातियां पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के विषय में अगर हम बात करें तो इक्थियोपिस यूरो यूरोटाइफिल्स ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। एन्यूरा के अंतर्गत पूंछहीन जबकि यूरेडिला के अंतर्गत पूंछ युक्त उभयचर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, पदविहीन एम्फीबिया प्राणी किस ऑर्डर में रखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जिम्नोफियोना इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवरअप करते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है लिम्बलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जिम्नोफियोना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पाद रहित उभयचर होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इक्थियोफिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवरअप करते हैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिम्बलेस एम्फीबियंस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इक्थियोफिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 8वां क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, मेंढक में मेरुतंत्रिकाओं की संख्या होती है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 10 जोड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवरअप करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ये क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन द फ्रॉग इज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10 पेयर इज द राइट आंसर। मेंढक में 10 जोड़ी मेरुतंत्रिकाएं यानी स्पाइनल नर्व्स पाई जाती हैं। इनमें कपाली तंत्रिकाओं की संख्या भी 10 जोड़ी ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आपके सामने, थोड़ा इसको छोटा करते हैं चारों ऑप्शन विजिबल हो सके। क्वेश्चन क्या है, मेंढक में कपाल का फर्श बनता है। एक बड़ी टी आकार की अस्थि द्वार जिसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, पैरास्फेनाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की इंग्लिश वर्जन को कवरअप करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, इन फ्रॉग द फ्लोर ऑफ द क्रेनियम इज फॉर्म्ड बाय अ लार्ज टी शेप्ड बोन कॉल्ड द। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, पैरास्फेनाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंढक में कपाल का संपूर्ण फर्श यानी इंटायर फ्लोर एक बड़ी सी पैरास्फेनाइड अस्थि द्वारा ढकी होती है। यह अस्थि कपाल के फर्श को दृढ़ता प्रदान करती है। इसका आकार डैगर या उल्टा टी आपने देखा है, ऐसे डैगर या इसके जैसा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल आपके सामने है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, मेंढक में हृदय धड़कन की दर होती है। मेंढक में हृदय धड़कन की दर होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 64 बार प्रति मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवरअप करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन क्या है आपके सामने। क्वेश्चन है रेट ऑफ हार्ट बीट इन फ्रॉग इज।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 64 टाइम्स पर मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंढक में प्रत्येक हृदय चक्र यानी कार्डियक साइकिल लगभग 0.94 सेकंड में पूरा होता है। इस प्रकार मेंढक में हृदय स्पंदन की दर 64 बार प्रति मिनट होती है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने बिल्कुल। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डक्टस बोटेलिस उपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राना में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवरअप करते हैं बिल्कुल सहज लैंग्वेज में, ये रहा क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, डक्टस बोटेली इज प्रेजेंट इन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राना इज द राइट आंसर। एम्फीबिया में चार जोड़ी महाधमनी एरोटिक आर्क्स उपस्थित होते हैं, तीसरी चौथी पांचवी तथा छठी जोड़ी में पांचवी अल्प विकसित या अनुपस्थित होती हैं, चौथी जोड़ी पार्श्व महाधमनी या रेडिक्स मतलब कि लेटरल डॉर्सल एरोटा और रेडिक्स से जुड़कर डक्टस बोटेलिस का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा बिल्कुल आपके सामने, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल मेंढक में वाई के आकार की हड्डी होती है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी टेरिगॉयड इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर करते हैं बिल्कुल सहज लैंग्वेज में, देखिएगा इन फैक्ट वाई शेप्ड बोन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी टेरिगॉयड इज द राइट आंसर। तो मेंढक के मुंह के ऊपरी जबड़े यानी अपर जा में छह जोड़ी हड्डियां होती हैं जो आपस में मिलकर मैक्सिलरी आर्क बनाती हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मैक्सिलरी आर्क कैसे बनता है, तो इसका बाह्य भाग जो होता है प्री मैक्सिल या मैक्सिला तथा क्वाड्रेटो जुगल से, जबकि अंतः भाग पैलेटाइन स्क्वेमोसल तथा टेरिगॉयड से बना होता है। मेंढक में टेरिगॉयड हड्डी वाई के आकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेंढक की आदर्श कशेरुका का सेंट्रम होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अग्रगर्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर करते हैं, ये रहा बिल्कुल आपके सामने, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है द सेंट्रम ऑफ टिपिकल वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग इज, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, प्रोसिलस इज द राइट आंसर। मेंढक की आदर्श कशेरुका यानी टिपिकल वर्टिब्रा में एक बड़ी छिद्रयुक्त रिंग जैसी संरचना होती है जिसे न्यूट्रल कैनाल कहा जाता है। स्पाइनल कार्ड यहीं से होकर गुजरता है। इस रिंग के आधार पर स्थित मोटा तथा ठोस छड़ जैसा भाग क्या कहलाता है, सेंट्रम। यह सेंट्रम अग्रगर्ती यानी प्रोसिलस होता है जिसका अग्रभाग इंटीरियर फेस क्या होता है, अवतल होता है तथा पश्चिम भाग उत्तल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल आपके सामने है, ये रहा क्वेश्चन, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेंढक की आठवीं कपाल तंत्रिका मस्तिष्क को किस अंग से जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कंप्लीट करते हैं सहज लैंग्वेज में, ये रहा क्वेश्चन, देखिएगा क्या है क्वेश्चन, एट क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग कनेक्ट्स इन द ब्रेन्स टू, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी ईयर्स इज द राइट आंसर। आठवीं कपाल तंत्रिका को श्रवण या ऑडिटरी तंत्रिका नर्व कहते हैं यानी ऑडिटरी नर्व कहते हैं, यह सेंसरी तंत्रिका है, यह मस्तिष्क को कान से जोड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, यह रहा क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल आपके सामने, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, मेंढक में अग्रपाद का अंगुलास्थ सूत्र होता है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 02233 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कंप्लीट करते हैं बिल्कुल सहज लैंग्वेज में, क्वेश्चन क्या है, डिजिटल फार्मूला फॉर लिम्स इन फ्रॉग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 02233 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल आपके सामने है क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, एक्सोलोटल लार्वा संबंधित है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी कुछ उभयचरों से इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कंप्लीट करते हैं बिल्कुल सहज लैंग्वेज में। यह रहा क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एक्सो लेटल लार्वा बिलोंग्स टू, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सम एम्फीबियंस इज द राइट आंसर। एक्जोलोटल लार्वा कुछ उभयचरों जैसे एम्बिस्टोमा आदि से संबंधित हैं। इनमें नियोटनी अवस्था पाई जाती है। थायरॉक्सिन की कमी के कारण इनके लार्वा में रूपांतरण नहीं हो पाता। इनके अवयस्क में ही यौन परिपक्वता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल आपके सामने है। ये रहा क्वेश्चन, देखिएगा तो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है नियोटिनी पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को पास करके। क्वेश्चन नंबर 17 के इंग्लिश वर्जन को कवरअप करते हैं, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, नियोटिनी इज फाउंड इन, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, डिम्भक जनन देखा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एम्बिस्टोमा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को शानदार तरीके से कंप्लीट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखिएगा नियोटिनी इज ऑब्जर्व्ड इन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एम्बिस्टोमा इज द राइट आंसर। एम्बिस्टोमा लार्वा को एक्सोलोटल लार्वा कहते हैं। इसमें लार्वा अवस्था में ही जनन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, अर्थात इसका कायंत्रण नहीं होता। वह यह वयस्क में परिवर्तित हुए बिना ही जनन योग्य हो जाता है, और ऐसे जनन प्रक्रिया को डिम्भक जनन या नियोटिनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल आपके सामने है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन है एक्सोलोटल डिम्भक दर्शाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी डिम्भक जनन तथा छद्म जनन दोनों। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कंप्लीट करते हैं सहज लैंग्वेज में। यह रहा बिल्कुल क्वेश्चन आपके सामने, एक्सोलोटल लार्वा एग्जिबिट, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बोथ नियोटिनी एंड पीटोजेनेसिस इज द राइट आंसर। एक्सोलोटल लार्वा कुछ एम्फीबियंस में पाया जाता है। यह लार्वा अवस्था में जनन करता है। लार्वा अवस्था में जनन की क्रिया पीटोजेनेसिस या छद्म जनन कहलाती है, तथा इसके लार्वा अवस्था में ही शारीरिक रूप से बने रहने तथा लैंगिक विकास जनन योग्य होने की क्रिया क्या कहलाती है, नियोटिनी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20वां बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, देखिएगा सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी एम्फीयूमा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कंप्लीट करते हैं वो भी बिल्कुल शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन, लार्जेस्ट आरबीसी आर फाउंड इन, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एम्फीयूमा इज द राइट आंसर। समस्त जंतुओं में एम्फीबियन की आरबीसी सबसे बड़ी होती है, जैसे एम्फीयूमा तथा प्रोटीएस। तो इस वीडियो के माध्यम से अब तक के पूछे गए सारे क्वेश्चन का एक शानदार संग्रह रहा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम होगा रेप्टिलिया। तो इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।